स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास फाइव का जीके चैप्टर का, मतलब जीके बुक्स जीके। और कौन सा चैप्टर है ये? ये चैप्टर है ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, पेज नंबर 14 है इसको। पहले हम बात करेंगे मैग्ना चाय का। जो मैग्ना चाय क्या था, एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उसका जन्म 1893 में हुआ था और उसका मौत जो हुआ था 1956 में हुआ था। बॉर्न एट शेवरतलीन यार्ड इन ढाका, प्रेजेंट बांग्लादेश। तो मतलब मेघना चाह का जो जन्म हुआ था वो शहर तेली बोल के एक जगह था, वो कौन से शहर में था? वो ढाका के शहर में था। और ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, ठीक है। तो मेघना चाह इज़ ए फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द फेमस आयनाइजेशन फार्मूला। मेघना चाह एक क्या था? फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट था। एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब क्या बोलते हैं? ज्योति विज्ञानी बोलते हैं। ज्योति विज्ञानी का मतलब वो होता है जो अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, इसके बारे में जो चर्चा करता है, इसके बारे में जो रिसर्च करते हैं, उन लोगों को क्या बोलता है? एस्ट्रोफिजिस्ट बोलता है। और उन्होंने क्या किया? आयनाइजेशन फार्मूला बोल के एक फार्मूला फाउंडेशन फाउंडर किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन फार्मूला का जो फाउंडर है वो कौन है? मेघना चाह है, ठीक है। तो ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन साइंस, उन्होंने साइंस के ऊपर बहुत सारी किताब लिखा था। एंड ही हैड ऑल्सो सर्व्ड एज ए नाउ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर सम टाइम। उन्होंने क्या किया था, मतलब इंडियन पार्लियामेंट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए क्या था, एमपी बना था। जैसे कि हम लोगों का एमपी कौन है? बदरुद्दीन आजमल है। तो उस तरह के एक एमपी मेघना चाह भी थे। तो इतना ही है। अब हम बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस, वो भी एक क्या था, साइंटिस्ट थे। जगदीश चंद्र बोस जो था उसका जन्म 1858 में हुआ था और मौत हुआ था 1937 में। एमिनेंट जूलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट जगदीश चंद्र बोस वाज बॉर्न एट ममनसिंह इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। जो जगदीश चंद्र बोस क्या था, एक जूलॉजिस्ट है एंड फिजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब प्राणी, मतलब जिसमें जान होता है उनके बारे में जो मतलब चर्चा करता है, जो रिसर्च करते हैं, उनको जूलॉजिस्ट। और फिजिस्ट मतलब जो पदार्थ विज्ञान जो बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, जूलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट थे। वॉज बॉर्न एट वो म्यांमार ममनसिंह बोल के एक जगह था जो बांग्लादेश में है, वहाँ पे उसका क्या था, जन्म हुआ था। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन साइंटिस्ट टू प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर मास्ट इन कॉमन। उन्होंने वो क्या किया था, वो अर्लीस्ट इंडियन, वो तो मतलब पहले ज़माने का क्या क्या था, वो मतलब वो एक साइंटिस्ट था। और वो क्या किया था, एक्सपेरिमेंट दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने मतलब प्रूव किया था कि रिसर्च करके ये मतलब साबित किया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो मतलब उसका जो एटीट्यूड है मतलब मैक्सिमम सेम होता है। जैसे कि प्लांट्स में एनिमल में क्या होता है, खाने का चीज़, अगर ज़िंदा रहना है तो खाने का चीज़ ज़रूरत होता है, पानी की ज़रूरत होता है, उसके बाद क्या होता है, हवा की ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह का जो चीज़ लगता है उस सेम ऐसे मतलब ऐसे भी क्या होता है एनिमल्स मतलब प्लांट्स में भी उस तरह की किस चीज़ क्या होता है ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर मतलब आदमी नहीं रहेंगे तो प्लांट्स भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होता है मतलब जो पेड़ वगैरह होते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो मतलब इस टू अदर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से हम लोग क्या है, जुड़ा हुआ है। तो वही बोला है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर मास्ट इन कॉमन। तो मतलब इनका जो मतलब ज़रूरत है वो मैक्सिमम क्या होता है, सेम ही होता है। तो ही प्रूव दैट प्लांट्स ऑल्सो हैव सेंस। और वो प्रूव किया था कि प्लांट्स का मतलब जो पेड़ वगैरह होता है उन लोगों के क्या होता है, सेंस होता है। जैसे हम लोगों सेंस होता है, अगर हम लोग किसी ने काटेंगे तो हम लोगों को पता चलता है। तो अगर किसी प्लांट्स को अगर आप मतलब कुछ मतलब चोट पहुँचाते हो या काटते हो, उन लोगों की क्या करते हैं, उन लोगों को भी क्या होता है, सेंस होता है वो ही बोला है। उसके बाद क्या है, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क में भी उसका क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका मतलब अवदान था। इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वैद्युतिक तरंग बोलता है जो।
अब हम बात करेंगे विक्रम अम्बाला साराभाई, उसका जो जन्म हुआ था 1919 में और उसका जो मौत हुआ था 1971 में। विक्रम अम्बाला साराभाई वाज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो क्या मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। वो अपन कॉन्सिडर एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम वो होता है जो अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करते हैं, उसको तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का उसको फादर माना जाता था। ठीक है, बॉर्न इन अहमदाबाद, वो अहमदाबाद में जन्म लिया था और ही टूक ए लीडिंग रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसरो जो है ये क्या होता है, मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष के जानकारी के बारे में जो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन लोगों को क्या बोलता है, इंडियन का जो अंतरिक्ष के बारे में जो मतलब जानकारी हासिल करने के लिए जो रिसर्च करते रहते हैं वो क्या है, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो ने में एक क्या किया था, एक सैटेलाइट मतलब भेजा था मंगल ग्रह में, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 2019 या 2020 में। तो क्या किया, तो यही इसरो का क्या था, लीडिंग रोल, मतलब इसरो के जो एक ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मुख्य व्यक्ति था वो विक्रम अम्बाला। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टूवर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ द थंबर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। उन्होंने क्या किया, थंबर रॉकेट लॉन्चिंग करने में उसका क्या था, अवदान था, मतलब वो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका लिया था वो वहाँ पे। ठीक है, स्वामीनाथन, उसका जन्म हुआ था 1925 में। मनकम्बु संबसीवन स्वामीनाथन वाज बॉर्न एट कुंभकनम। तो मनकम्बु उसका जो फुल MS स्वामीनाथन का फुल नाम क्या है, मनकम्बु संबसीवन स्वामीनाथन वाज बॉर्न एट मनकम्बु, मतलब कुंभकनम जगह के, एक कुंभकनम गांव के एक जगह है जो के तमिलनाडु में, उसमें क्या लिया था, उसने मतलब जन्म लिया था। तो इन द फैमिली ऑफ सर्जन एंड सोशल रिफॉर्मर, वो मतलब सर्जन फैमिली से बिलोंग करता था और सोशल रिफॉर्मर भी था। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर मतलब वही है जो समाज के लिए जो आवेदन देता है, मतलब समाज में जो अच्छे काम करता है, समाज के अच्छे के लिए जो भले के लिए जो काम करता है। उसके बाद है प्रोफेसर स्वामीनाथन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। वो उसको क्या बोलता है, इज रिगार्डेड मतलब उसको क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या, इंडिया का जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उस ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता था, उसको पिता माना जाता था, क्योंकि वो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हेउस विप्लव जो बोलते हैं उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। हेउस विप्लव मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब वो है जो पेड़ वगैरह होता है वो हम लोग क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं, उसको काटते हैं, बेचते हैं। तो इस तरह का जो मतलब चीज़ होता है, मतलब मतलब जो नेचुरल चीज़ होता है वो उसको मतलब रक्षा करने के लिए जो लड़ाई करता है, संघर्ष करता है वो, तो उनमें से एक कौन था, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन था। इसके लिए उसको क्या बोला जाता था, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक माना जाता था, ग्रीन रिवोल्यूशन का पिता माना जाता था। ठीक है, पिता माना जाता है अभी तक है वो। अभी क्या है, ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस ऑफ द 20 सेंचुरी। उसको मतलब 20 शताब्दी के 20 मोस्ट मतलब 20 महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक माना जाता था। किसको माना जाता था, एम एस स्वामीनाथन को मतलब 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति में से एक माना जाता था। वो मतलब एशिया के 20 मोस्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक कौन था, MS स्वामीनाथन था। और इसके बारे में कहाँ पे पब्लिश हुआ था, टाइम मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। अभी देखो, डू यू नो इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज नेम्ड आफ्टर एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर हु लिव्ड ड्यूरिंग द 5th century। इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। वाज नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर हु लिव्ड, और ये जो क्या है, इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनोमर है, हु लिव्ड ड्यूरिंग द 5th century का था। ठीक है, मतलब अभी जो आर्यभट्ट बोलते हैं उसको
मतलब पहले ज़माने में, मतलब 15th सेंचुरी में उसको क्या बोला जाता था, इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। तो आज के लिए इतना ही है।